सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज तहसील में नगर निकाय चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन अलग अलग पार्टियों के कई नेताओं ने नामांकन किया, जिसमें भाजपा के बागी नेता सुशील देवी पुत्र श्याम सुंदर अग्रहरि ने निर्दलीय नामांकन किया। नगर पंचायत भारत भारी से साजिद खातून पत्नी अजीजुल्लाह डब्ल्यू ने बीएसपी से अध्यक्ष पद के लिए, नगर पंचायत भारत भारी से बीएसपी से टिकट ना मिलने पर कैलाश पति पुत्र विजय यादव ने निर्दलीय नामांकन किया। नगर पंचायत बढ़नी चाफा से अजय वर्मा ने बीएसपी से नामांकन किया। जिन नेताओं को पार्टी से टिकट मिला उन्होंने पार्टी का आभार व्यक्त किया। देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं, मुद्दे की गिनती नहीं, हर मुद्दे हैं। नामांकन हमने किया है, जीत के लिए किया है, हम जीत के आएंगे, जनता के बीच में काम करेंगे। रोड हो गया, नाली हो गया, खड़ंजा जो भी है, गलियों गलियों में लाइट नहीं है, रोडों पे लाइट नहीं है, पर हाल पड़ा है। स्कूल भी वैसे हैं, शिक्षा भी नहीं सही है, स्वास्थ्य का तो आप जानते हैं उसका बहुत बुरा हाल है। देवा में एक हॉस्पिटल है तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही पड़ा है। दावेदारी कर रहे थे चुनाव लड़ने के लिए, आपका टिकट कट गया है, आप नामांकन करने आए हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, मुझे बहन जी का पूरा आश्वासन मिला है, हरी झंडी मिला है, मैं आया हूँ, पर्चा दाखिला हो गया है मेरे पिता के राम कुंतर यादव जी के नाम से, और मुझे बिल्कुल अभी इंतजार है। 3 बजे से पहले मुझे कहा गया है कि आप सबमिट हो जाएगा, वहाँ से फैक्स किया जाएगा, और नहीं अगर ऐसा होता है फिर भी मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।